हेलो एवरीवन, मैजिक पॉट स्पाइस एंड केक्स आपके लिए लेके आए हैं ग्रीन फिश करी। फिश मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड ग्रीन करी हैज इट्स ओन यूनिक टेस्ट। तो आइए चलिए देखते हैं इसके स्टेप। सबसे पहले मैंने ले लिया है 250 ग्राम धनिया। बहुत अच्छे से इसको क्लीन करना है पानी से और एक्स्ट्रा वाटर स्ट्रेन आउट कर देना है। उसके साथ मैंने लिया है 6 से 7 लहसुन, 10 ग्राम के हिसाब से अदरक और 3 हरी मिर्च। इन सारों को मिला के मिक्सी में मैंने एक ग्रीन पेस्ट रेडी कर लिया है। कंसिस्टेंसी यही मेंटेन रखने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद मैंने लिया है रोहू फिश 4 पीसेस राउंड कट्स में। इनको अब करना है मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए मैंने एक बॉल में इनको ले लिया है और मसाला डाला है मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। बहुत ही कम स्पाइस है इसमें मैरिनेशन के लिए। लाल मिर्च पाउडर और हल्दी से इसमें कलर आएगा एंड नमक इसमें टेस्ट ऐड करेगा। तो इस तरह से हमें मैरिनेट करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से कोटिंग करना है चारों तरफ से ताकि कोई भी साइड ना छूटे। और जैसे ही मैरिनेट हो जाएगा हमें इसको करना है शैलो फ्राई। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से इसका मैरिनेशन हो गया है। अब अगला स्टेप जो है शैलो फ्राई। तो मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, मीडियम फ्लेम में चढ़ाया है और 1/4 कप मैंने यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल। फिश के साथ मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा जाता है, इसीलिए फिश हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही पकाना चाहिए। अब जैसे ये स्मोकिंग पॉइंट में आएगा हमें फिश को धीरे धीरे इसमें प्लेस करना है शैलो फ्राई करने के लिए। स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ मस्टर्ड ऑयल। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे प्लेस कर दिया है। 3 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम में हमें वन साइड पकाना है। तो जैसे एक साइड पक जाएगा तो हमें फ्लिप कर देना है। ये देखिए, ये वन साइड इसका फ्राई हो चुका है। अब इसको हमें करना है फ्लिप। फ्लिप करने के लिए ध्यान दीजिएगा, 2 स्पैचुला का यूज़ कर लीजिएगा ताकि बहुत आसानी से फ्लिप हो जाए और पीसेस आपके टूटेंगे भी नहीं इससे। ये देखिए, इसको फ्लिप कर दिया है मैंने। अब बचा एक लास्ट पीस, इसको भी कर दिया है फ्लिप। अब ये दूसरा साइड इसका हमें वही 3 मिनट तक इसको शैलो फ्राई करना है। अब जैसे ये शैलो फ्राई वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फ्लेम ऑफ करके फिशेस को दूसरे प्लेट में निकाल लेना है। अब इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि इस ऑयल में फिश का फ्लेवर ऐड हो चुका है, इसीलिए ग्रेवी हमेशा उसी ऑयल में बनाना बहुत वाइज डिसीजन है। ये जो हमने ग्रीन पेस्ट रेडी किया था इसी ऑयल में मैंने डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर पकाना है। इसमें फ्लेम वही सेम मीडियम फ्लेम रखना है। इस तरह से धीरे धीरे इसको चलाना है और थोड़ी देर देर बाद इसको चलाना है ताकि ये जल ना जाए। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि मैरिनेशन के टाइम मैंने ऑलरेडी 1 टीस्पून ऐड किया है, इसीलिए अब 1/2 स्पून। अब ऐड किया है 1/2 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि कोई लम्स ना बने। और जैसे ये थोड़ी देर पकने के बाद इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी, क्योंकि हमें इस ग्रेवी में फिश को थोड़ी देर पकाना है, तो इसीलिए कंसिस्टेंसी थोड़ा हल्का करना ज़रूरी है। अब जैसे ही इसमें बॉयल आएगा हम अपने शैलो फ्राई किए हुए फिशेस को प्लेस कर देंगे। बहुत धीरे धीरे प्लेस करना है। और जैसे ये प्लेस हो जाएगा हमें कवर कर देना है और इसको पकाना है 3 मिनट। अब इसको हम कर देंगे कवर और 3 मिनट वन साइड इसको पकाएंगे और आफ्टर 3 मिनट्स हम पकाएंगे दूसरा साइड भी। तो ये एक साइड आपका ये पक चुका है, इसमें फ्लेवर ऐड हो चुका है। अब हम इसको करेंगे फ्लिप और धीरे धीरे फ्लिप करना है। और अगेन 2 स्पैचुला यूज़ कर लीजिएगा ताकि फ्लिप करने के टाइम पीसेस टूट ना जाए।
इस तरह से हमें इसको फ्लिप करना है बहुत आराम से, जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं। और जैसे ये फ्लिप हो जाएगा हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे ताकि दूसरे साइड में भी बहुत अच्छे से टेस्ट ऐड हो जाए। ये देखिए ये हो गया फ्लिप, अब इसको हम करेंगे कवर एंड सिमिलरली इसको भी पकाना है 3 मिनट तक। ये देखिए ये हो गया कवर, अब इसको हम पकाएंगे 3 मिनट तक और 3 मिनट बाद हम इसका कवर जैसे ही खोलेंगे ये बिल्कुल तैयार होगा आपके लिए खाने के लिए। ये बन गया हमारा ग्रीन फिश करी, फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको सर्विंग बाउल में ले आइए। ये आ गया सर्विंग बाउल में। अब इसके ऊपर से मैंने ऐड किया है इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल टू गिव अ फ्लेवर ऑफ दैट मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर मैंने ग्रीन चिलीज 2 रख दिए। अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब फिश तो हमेशा चावल के साथ ही अच्छा लगता है, तो इसको खाइए गरम गरम चावल के साथ और मुझे बताइए कैसा लगा आपको। एंड आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ही आसान लगा होगा बनाने में और ऑब्वियसली खाने में भी बहुत ही टेस्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप यू लाइक द वीडियो।